वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं साल 1989 में ही द इंडक्टर के बारे में बात करेंगे। वेल के एक अमेरिकन क्लासिक अंडररेटेड स्लेजर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया था स्कॉट पेगिगल ने। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। So, all right, movie की starting। अमेरिका के शहर पेंसिल्वेनिया के एक छोटे से सुपर मार्केट को दिखा कर होती है जिसमें हम सभी ही इस मार्केट के अंदर बेसिकली इसमें काम करने वाले कुछ वर्कर्स को देख पाते हैं, जिन सभी के नाम लिंडा जो कि कैशियर थी, इसकी फ्रेंड कैसी, इनके को वर्कर बिली मैट, टिम जॉन डेक्स्टर एंड जॉन को देख पाते हैं, जो कि ये सभी ही वर्कर्स पूरे दिन भर काम करने के बाद कैजुअली स्टोर बंद करने से पहले बस अपने अपने सेक्शन में जाकर नेक्स्ट डे के लिए सामान वगैरह ही जमा रहे होते हैं जो कि आज सुबह सेल आउट हो गए थे। तो तभी ही इसी ही दौरान हम सभी कैसी के एक्स बॉयफ्रेंड रैंडी को देख पाते हैं, जो कि वो स्टोर में आकर कैसी से रिलेवेंटली अपने पास्ट रिलेशनशिप के मैटर के बारे में बातचीत करने के लिए आया हुआ होता है, ताकि ये दोनों अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉर्ट ऑफ कर फिर से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाए। बट समहाउ दूसरी ओर कैसी के रैंडी से बातचीत करना तो दूर, इससे हमेशा के लिए मूव ऑन करना चाहती थी। वो तुरंत ही इसको इस स्टोर से जाने के लिए कहती है। तो अब ठीक सामने ही खड़ा रैंडी कैसे की इन बातों को सुन अंदर से बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेट होकर अनरिलेवेंट तरीके से कैसे के ऊपर हाथ उठाने लग जाता है और स्टोर में रखी सारी चीजों को जिनको इन सभी ही वर्कर्स ने नेक्स्ट डे के लिए सेल आउट करने के लिए रखी थी उन सभी को ही बुरी तरीके से बिखर देता है और काइंड ऑफ एक तरीके से तोड़फोड़ मचाने लग जाता है। तो अब इस अनएक्सपेक्टिंग चीज को देख स्टोर में ही काम कर रहे हैं कैसे के को वर्कर बिली मैट एंड स्टोर के ओनर विलियम्स ये इन दोनों को कहकर इमीडिएटली रैंडी को धक्के मारकर स्टोर से बाहर निकालने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसने इन सभी के ही काम को जो कि अभी नॉर्मली कुछ ही मिनटों में खत्म होने वाला था ताकि ये सभी ही वर्कर्स अपने अपने घर जा सकते थे। अनफॉर्चुनेटली हुई उस तोड़फोड़ से अब इन सभी का ही काम कुछ और घंटे के लिए बरसा गया था, जिसे इन सभी को ही किसी भी हालत में रात को ही खत्म करना था, क्योंकि सुबह ये इस रिफिलिंग के काम को शॉप में आने वाले कस्टमर्स के सामने नहीं कर सकते थे। तो बस अब सीन इस वेयर सीन से चेंज होकर डायरेक्ट कुछ घंटों बाद फिर से स्टोर की तरफ ही फोकस करता है, जिधर के सभी ही वर्कर्स स्टोर की साफ सफाई कर रिफिलिंग का काम ही कर रहे होते हैं। तो तभी ही इस शॉप के बिल्डिंग के बाहर की तरफ हम सभी ही यहाँ पर किसी अनजान से आदमी को देख पाते हैं, जिसका चेहरा तो हम फिलहाल के लिए देख नहीं सकते बट आगे डेफिनेटली जरूर देखेंगे। ये अपने सामने इस स्टोर के एक खुले हुए गेट को देख अंदर ही काम कर रहे किसी वर्कर की लापरवाही की वजह से गलती से अनजाने में खुला रह गया था। यह आदमी बिना कुछ सोचे समझे इस खुले हुए गेट की मदद से सीधे इस स्टोर के अंदर चले जाते हैं और बस यहाँ से ही ये मूवी एक बहुत बड़े लोचे की तरफ जाने वाली है। Intruder. तो बस सब सीन सबसे पहले इससे सुपरमार्केट के ओनर विलियम्स के ऊपर फोकस करता है, जो कि वो अपने ऑफिस में बैठकर कैजुअली कुछ पेपर वर्क ही कर रहे होते हैं। तो तभी ही वही अनजान आदमी वो एकदम से जो कि इनके स्टोर के अंदर घुस गया था विलियम्स के पीछे आ इनकी गर्दन को कस के पकड़कर एक टेबल पे ही लगे हुए एक बड़े से लोहे के रोड के अंदर इनके सर को बुरी तरीके से उस रोड पे मार आग के अंदर तक घुसा कर सर को फाड़कर मार डालता है। लेकिन बात अभी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। वेल अब सीन स्टोर के बैक साइड की तरफ स्टोर रूम के अंदर मौजूद इंस्टेंटली मैट के ऊपर फोकस करता है, जो कि ये बस कुछ फल फ्रूट को ही लोड कर रखने का काम ही कर रहा था। तो तभी ही वही कृपी आदमी जिसने अभी कुछ ही देर पहले विलियम्स को बुरी तरीके से मारा था, ये अपने ठीक सामने ही पड़े हुए एक बड़े से चक्कू को देख सीधे उसको उठाकर मैट के सर के पीछे बीचों बीच मार इसके सर के दो टुकड़े कर बड़े ही चालाके से बिना किसी के भनक पड़े बहरे में से काट कर मार डालता है और सीधे इसकी बॉडी को घिसड़ते हुए बाहर की तरफ ही मौजूद एक बड़े से कचरे के डब्बे के अंदर डाल देता है। तो अब विलियम्स और मैट कैसे मरते ही सीन अब स्टोर के बेसमेंट के तरफ फोकस करता है, जहाँ कैजुअली जॉन वो बैठकर कुछ पेप्सी के कैन के ऊपर लेबल लगाने का काम ही कर रहा था। तो तभी ही इसके साइड में ही मौजूद इस बेसमेंट के दोनों ही गेट वो अचानक से धीरे से अपने आप ही खुल जाते हैं। तो अब रेलेवेंटली काइंड ऑफ इस वियर्ड सीन को देख जॉन ये एकदम से खड़े होकर इस बारे में पता करने के लिए बस उस गेट के पास ही जाता, सोचते हुए कि बिली या मैट इसके साथ मजाक मस्ती कर रहे होंगे। तो इसी ही दौरान वही कृपी साहब ने कुछ ही देर पहले को मारा था वो अचानक से जॉन के सामने आ इसके पेट के अंदर ब्रूटल तरीके से चक्कू को घोप सैम बेली और मैट के तरह ही बुरी तरीके से बीच में से फाड़कर मार डालता है।
तो अब जॉन विलियम्स से मैट कैसे मरते ही सीन अब इन क्रिपी इंसिडेंट से चेंज होकर स्टोर के वेस्ट एरिया के तरफ टीम के ऊपर फोकस करता है, जो कि वो कुछ खाली कागज के डब्बा को फेंकने के लिए बस वेस्ट एरिया के तरफ ही आया हुआ था। तो तभी ही इसी ही दौरान टीम को ठीक अपने पीछे की तरफ से कांच की बोतलों के टूटने की आवाज सुनाई देने को मिलती है। जिन्हें ये सुन इस बारे में देखता या फिर कुछ करने की कोशिश करता तो उससे पहले ही वही क्रिपी आदमी वो एकदम से इसके सामने आ वो टीम के गले को कस के पकड़ हवा में उठाकर सामने ही दिख रही हाइड्रोलिक मशीन में इसके सर को उसके अंदर डाल देता है और बिना कुछ सोचे समझे सीधे इसको चला देता है। तो जिसके चलते इस मशीन के ऑन होते ही टीम का सर वो बुरी तरीके से पिचक जाने की वजह से मशीन के अंदर दब जाने से काइंड ऑफ फटकर ही मर जाता है। तो अब टीम बिली जॉन और विलियम्स कितने भयानक तौर पर मरते हैं। सीन अब स्टोर के बच्चों रूम की तरफ फोकस करता है, जहाँ पर हम सभी ही रॉब को अपने कोवर्कर की मौतों से बिल्कुल ही अनजान बस कुछ मीट वगैरह काटने का ही काम करते हुए देख पाते हैं। तो तभी ही इसी ही दौरान रॉब को अपने ठीक सामने किसी इंसान का कटा हुआ हाथ देखने को मिलता है, जिसे ये देख चौंक कर अपने फ्रेंड कैसे को बताने के लिए ही जाता। तो तभी ही उससे पहले वही कृपी आदमी वो अचानक से रॉब के पीछे आ इसके सर के बालों सहित हवा में उठाकर इसके मुंह को खोल ठीक पास में ही लगे हुए एक हुक के अंदर ब्रूटल तरीके से अंदर तक उस हुक को घुसा कर बहरम इससे रॉब के चेहरे को चिरते हुए फाड़ सैम बाकियों के तरह दर्दनाक तौर पर मार डालता है। तो अब फाइनली आधे से ज्यादा स्टाफ मेंबर्स कैसे मरते हैं। सीन अब इमीडिएटली वॉशरूम के ऊपर फोकस करता है, जिधर हम सभी है इस वॉशरूम के अंदर डेक्स्टर को देख पाते हैं। वो कैजुअली अपना काम खत्म कर फ्रेश होने के लिए ही आया हुआ था। तो तभी ही इसको इस वॉशरूम के कबर्ड की साइड में किसी इंसान के पैर कटे हुए दिखाई देने को मिलते हैं, जिन्हें ये देख डर के मारे इधर से भागता ही। तो उससे पहले ही वही कृपी आदमी जिसने भी कुछ ही मिनटों पहले रॉब को ब्रूटल तरीके से मारा था, वो अपने हाथों में एक चक्कू ले सीधे उसकी मदद से डेक्स्टर के गालों को काट अधमरा कर इसके पैरों सहित घिसड़ते हुए पासे में ही मौजूद एक बड़े से मीट काटने वाली मशीन पे लेटा कर बिना कुछ सोचे समझे सीधे इसके सर को उस मशीन की मदद से बीच में से आधा काट कर मार डालता है। तो अब फाइनली इस मूवी के एंडिंग में सीन स्टोर के बाहर की तरफ कैसे के ऊपर फोकस करता है, जो कि वो बस से नॉर्मली स्मोकिंग करने के लिए और अपना कुछ सामान वगैरह रखने के लिए पार्किंग एरिया में खड़ी अपनी कार के पास ही आई हुई थी। तो उसी ही दौरान वही कृपया आदमी जिसने अभी रॉब विलियम जॉन टीम डेक्स्टर मैट एंड बिली को मारा था वो बड़ी ही चालाकी से कैसे के कार के पास आ बिना किसी के भनक पड़े बहुत ही आराम से इसके गले को पकड़ उसी ही चक्कू की मदद से बीच में से इसकी गर्दन को बहरे में से काट ठीक सामने ही दिख रहे हैं कचरे के डब्बे के अंदर फेंक देता है, जहाँ पर पहले से ही मैट की डेथ बॉडी पड़ी हुई थी और फिर से स्टोर के अंदर चले जाता है। तो बस अब सीन लास्ट एंड फाइनल बार चेंज होकर स्टोर के अंदर ही काम कर रही लिंडा के ऊपर फोकस करता है। ये अपने कोवर्कर्स एंड फ्रेंड्स की मौतों से बिल्कुल ही अनजान अपने काम को खत्म कर बस वॉशरूम की तरफ जाकर यूनिफॉर्म चेंज कर इधर से जाने ही लगती, तभी ही लिंडा को अपने ठीक सामने पड़े हुए डस्टबिन के अंदर जॉन बुरी तरीके से मरा हुआ दिखाई देने को मिलता है और इसके बिल्कुल ही पास में ही कन्वेयर बेल्ट के अंदर बिली की भी डेथ बॉडी इसको दिखाई देने को मिलती है, जिसकी तो गर्दनी कटी हुई थी और ठीक एक लोहे के हुक के ऊपर बिली भी बुरी तरीके से मरा हुआ चैन के जरिए लटका हुआ दिखाई देने को मिलता है और इसके बिल्कुल ही पास एक फ्रीजर के अंदर लिंडा को डेक्स्टर का चेहरा भी कटा हुआ दिखाई देने को मिलता है। तो अब इस अनएक्सपेक्टेड सीन को देख लिंडा वो डर के मारे इस स्टोर से बाहर निकलने की कोशिश करती। तो तभी ही उससे पहले इस शॉप का मैनेजर जेम्स से दिखाई देने को मिल जाता है, जो कि वो बस स्टोर के मेन गेट से ही एंटर कर रहा था, जिसे देख लिंडा ये उसके पास जाकर अपने सभी ही फ्रेंड्स की डेथ बॉडीज के मैटर के बारे में बस इसको बताने के लिए ही जाती। तभी ही उससे पहले जेम्स वो अपने पैंट के पॉकेट से एक बड़े से चक्कू को निकाल सीधे उसकी मदद से लिंडा के बालों को पकड़ सेम बाकियों के तरह ही इसके भी गर्दन को काट कर मार डालता है। वेल अभी तक हम सभी ही इस एंटायर मूवी में ऐसा समझते हुए आ रहे थे कि इन सभी ही वर्कर्स का खून और कोई नहीं बल्कि लिंडा का बॉयफ्रेंड रेंडी कर रहा था, बट एक्चुअल में वैसा बिल्कुल भी नहीं था, बिकॉज ये सारे ही खून इस शॉप के मैनेजर जेम्स कर रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि ये इस पूरे स्टोर को अपने नाम कर सके, जो कि ओनर विलियम्स ने इनसे ले लिया था। और बस हमारी ये मूवी एक ट्विस्टेड एंडिंग के साथ फाइनली इन सभी ही लोगों के ऐसे मरते ही ठीक इधर ही एंड हो जाती है। वेल, अगर आप इस मूवी को स्टिल पर्सनली देखने में बिलीव करते हैं तो आप सभी को ये मूवी यूट्यूब पे सर्च करने पे मिल जाए तो ठीक है, वरना आप सभी मुझे इंस्टा पे मूवी के लिंक के लिए मैसेज कर सकते हैं, जिधर मैं आप सभी को इस मूवी का डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। बाकी अब रही बात कि ये मूवी हिंदी में डब है कि नहीं, तो वेल एट द प्रेजेंट मोमेंट जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक ये मूवी हिंदी में डब नहीं है, बट स्टिल इसकी स्टोरी और कॉन्सेप्ट इजी टू अंडरस्टैंड है, जिसको आपको देखकर बिना किसी परेशानी के
आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। बाकी अगर मुझसे इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को लेकर कोई गलती हो गई हो जिसको मैं कवर करना या फिर बताना भूल गया हूँ तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो वेल दोस्तों, यही थी द इंटरेक्टर मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।